देव को हटाना तो जरूरी ही है शांतनु, पर क्या माँ? पर राज पुरोहिती पाने के लिए तुम्हें एक काम और करना होगा। सब उन लोगों की पुरानी परंपराएं हैं। राजपुरोहित के मरने के बाद राजपुरोहिताइन को सारे अधिकार मिल जाते हैं। काम मुश्किल जरूर है पर तुम्हें करना होगा शांतनु। तुम समझ रहे हो ना शांतनु मैं क्या कह रही हूं? बिल्कुल मां, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हमने सोचा। अच्छा मां, अब मैं चलता हूं। ध्यान रखना। आप अपना ख्याल रखिए। उर्मी, चाय और जलपान तैयार रखना, महन जी आते ही होंगे। दादी माँ, महन जी आ गए। अरे अंदर ले आओ उन्हें। राधे राधे। राधे राधे। आइए। उर्मी से कह चाय और नाश्ता ले आए। नहीं नहीं, बैठिए। राधे राधे। मुझे विवेक ने बताया कि आप मुझसे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या बात है, सब कुशल तो है? जी महन जी, बात विशेष भी है और महत्वपूर्ण भी है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं मैं आपको। जो सत्य है निसंकोच कहिए। बहन जी, 28 साल पहले इस परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया जो हमें पता था कि मरा हुआ है, लेकिन अब पता चला है कि वो जीवित ही पैदा हुआ था। क्या? लेकिन उसकी माँ ने उसे त्याग दिया था। त्याग दिया था? जी, एक ऋषि ने श्राप दिया था कि ये कुल विनाशक होगा। मेरी बहू के मन में डर बैठ गया और उसने उस बच्चे को त्याग दिया। पर अब क्या? अब वो बच्चा वापस आ गया है। ये रहा मेरा पोता शांतनु। यहां आओ, महन जी को प्रणाम करो। शुभम भवतु। अब तक ये कहा था? जिस औरत को मेरी बहू ने इस बच्चे को सौंपा था उन्होंने ही इसका लालन पालन किया। अब आप क्या चाहते हैं? महन जी, मैं चाहती हूं कि मेरे पोते को हमारे कुल में शामिल किया जाए। नहीं, एक कुलनाशक को मैं कुल में सम्मिलित होने की अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं? ये आपके संपूर्ण कुल का विनाश कर सकता है। इसे आपके परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। इसे आपके परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए।
और जो हमारे परिवार का हिस्सा है वो हमारे साथ क्यों नहीं रह सकता? इसलिए कि वो कुल नाशक है। तुम्हारी दादी माँ ने बताया है कि इसके जन्म के समय ही परिवार में घोर अपशकुन हुए। तुलसीदास भी कुल विनाशक, उनके जन्म पे भी बहुत सारे अपशकुन हुए थे। उनके परिवार ने भी उनको त्याग दिया था। पर एक वक्त के बाद पूरे देश ने उनको सम्मान दिया। जिस कुल के लिए वो विनाशक थे उसी कुल के लिए वो दीपक भी साबित हुए। तुलसीदास जैसे विद्वान से मेरी तुलना करके उनका अपमान मत करो देव। मान जी अगर कुछ कह रहे हैं तो सोच कर ही कह रहे होंगे। नहीं भैया, जो होना था वो उस समय हो चुका है। अब हमें वो गलती सुधारने का मौका मिला। जिसे एक बार त्याग दिया उसे कुल में शामिल करना बहुत कठिन है देव। कठिन पर असंभव तो नहीं। बैठिए भैया। मैं एक राजपुरोहित और धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और मुझे यह लगता है कि किसी को उसका अधिकार वापस दिला देने से धर्म का नुकसान नहीं होता। क्या राजपुरोहित ऐसा कह रहे हैं इसलिए हम शास्त्रों को भूल जाएं? एक ब्राह्मण बालक जिसका लालन पालन न जाने किस जात की स्त्री ने किया, न जाने कैसे संस्कार उसे दिए, उसे हम ब्राह्मण मान लें? बहुत कठिन है देव, बहुत कठिन है। मैं माफी चाहता हूं मान जी, गुस्सा त्याग दें। बैठिए, अभी बैठिए भैया। कृष्ण भगवान ने क्षत्रिय होने के बावजूद इतने साल ग्वालों का जीवन बिताया, पर जब वो परिवार में वापस आए थे तो पूरे परिवार ने उनको सम्मान दिया, उनका स्वागत किया था और उन्हें क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका दिया था। तो फिर हम शांतनु भैया को क्यों रोक रहे हैं? शांतनु को पुरोहित परिवार का हिस्सा बनाने के लिए एक अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद वो विधिवत तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन जाएगा। शांतनु, तुम्हारा छोटा भाई देव महान विद्वान है, इससे विवाद में जीत पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसी के कारण तुम्हें पुरोहित परिवार का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त होने वाला है। सुनिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूं, दूध पी लीजिए। अरे बिचड़ी को क्या हो गया? आप सुनिए ना, कहां हैं आप? तुम्हारे बहुत पास, तुम घबरा गई थी? नहीं, वो बस
अंधेरा था इसलिए थोड़ा। अब सारे अंधेरे सारे दुख हट चुके हैं राधिका, अमावस बीत चुकी है, मेरा चांद मेरे सामने है। तुम्हारे लिए ये क्या है? कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। ये हमारे प्यार के साक्षी हैं, तुम्हारे कान्हा, ये हमें कभी अलग नहीं होने देंगे। आप बार बार अलग होने की बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है, अब से मैं अलग होने की बातें नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ हमारे साथ होने की, हमारे प्यार की और हमारे आने वाले कल की बात करूंगा। तो इसे पहनाइए। को झुका होगा। अब मैं आपके लिए दूध लेकर आई थी, इससे पहले ठंडा हो जाए, पी लीजिए। मंदिर की किवाड़ खुले हैं, मैं बस यूं आई। अरे पर अभी तो हमारे प्यार का समय है। आप इस पल को थाम के रखिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक आप दूध पीजिए। आप यहाँ कुछ चाहिए आपको? हाँ नहीं, मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था। अरे माधो जी। माँ जी लड़ियाँ लगवा दिए, कपड़े लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बेला जी मिठाई बन चुकी है, हलवाई वाले को बोलने जा रही हूँ। अच्छा देखा, ऐसे ही काम सब लोग बांट लेते हैं। अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा लें ना, तो काम बहुत अच्छे से और आसानी से हो जाता है। हाँ शांतनु, लेकिन हर काम का दादी माँ से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे मैंने ये मेहमानों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन इसे दादी माँ चेक करेंगी। दादी माँ क्योंकि तो अक्सर किसी न किसी को भूल जाता है। अरे तेरे मेरठ वाले मामा जी का नाम नहीं लिखा इसमें।
अभी बता देगा तो समय से आ सकेंगे ना वो लोग। वो दादी माँ भूल गया, मैं अभी लिख देता हूँ। मुझे सारे रिश्तेदारों से शांतनु की पहचान करवानी है। उन सबको बताना है कि मुझे मेरा खोया हुआ पोता मिल गया। दादी माँ मुझे भी कोई काम दीजिए ना, सब लोग इतना सब कर रहे हैं। मैं बेटा सारा काम सबने आपस में बांट लिया है, अब तुम्हें मैं कौन सा काम। दादी माँ हाँ? अनुष्ठान के लिए जो हवन कुंड वो मंदिर के सामने रखना है ना। हाँ बहू, और सारी विधियाँ राजपुरोहित संहिता के अनुसार करनी है। दादी माँ मैंने सुबह ही देख लिया था। मेरी छोटी बहू ने कितने अच्छे से संभाल लिया है सारा काम, किसी की नजर ना लगे। देख रहे हो ना शांतनु। जी दादी माँ। राज पुरोहिता इनके सारे दायित्व बहुत अच्छे से निभाती है। जाओ देख लो सारी तैयारियां, और हाँ अपने माँ बाबूजी को फोन करके निमंत्रण देना मत भूलना। जी दादी माँ। अरे बाबू राव जी के पास घी का कनिस्टर पहुंचवा दीजिए वहां पे। बिरजू बिरजू एक मिनट। जी दादी माँ। उस दिन तो मेरे साथ पुरुषोत्तम के दुकान पे गया था ना, हमने जब वो सोने का झूला देखा था। हाँ हाँ वो बाल गोपाल वाला। हाँ शायद 2-2.5 लाख का होगा। विवेक से पैसे ले और जाके ले आ, मुझे कल के अनुष्ठान में वही दान करना है। जी अभी लेके आए, लाइए पैसे। जी दादी माँ। ये ले बिरजू। विवेक भैया ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी बड़ी रकम एक नौकर के हाथ में दे रहे हैं? दादी माँ सोने का झूला लाना एक जिम्मेदारी का काम है, आप इसे नौकर को कैसे दे सकती हैं? बिरजू नौकर नहीं है शांतनु भैया, बिरजू हमारे परिवार का सदस्य है, मेरे साथ पला बड़ा है और मेरे लिए एक भाई जैसा है। हाँ शांतनु, बिरजू हमारे ही परिवार का हिस्सा है, तुम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान देना जितना कि हम लोग देते हैं। बेटा शांतनु की बात का बुरा मत मानना, उसे पता नहीं था ना। हाँ बिरजू मुझे पता नहीं था कि तुम इस घर के बेटे जैसे हो। कोई बात नहीं भैया, आप यहाँ नए आए हैं ना, हम तो बचपन से इसी घर में पले हैं, देव भैया की परछाई की तरह। देव भैया हमारे राम जी हैं और हम उनके हनुमान जी। भैया वो हलवाई के पास घी का कनस्तर पहुंचवा दीजिए। हाँ तू जा मैं देख लेता हूँ। दादी माँ बिरजू। हाँ वो राधिका कहाँ है? भौजी भौजी नहीं 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 राजपुरोहितायन जी, राजपुरोहितायन जी कल के अनुष्ठान की तैयारियों में लगी हैं पूजा घर में, और आज अगर आपको उनसे मिलना है ना तो वो क्या कहते हैं, हाँ अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट। हम जाए। एक नौकर को बेटा मान के रखा है और मुझे इसी के सामने बेइज्जत कर रहे हैं, अपनी हर गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत जल्द सब कुछ छीन लूंगा मैं इन सब से, सब कुछ।